बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलामुअलैकुम व्यूअर्स, वेलकम टू कुकिंग दुनिया। आज मैं आपके लिए लाई हूँ चॉकलेट टी केक विदाउट ओवन, जिसके लिए हमें चाहिए 1 कप मैदा है, ये 3 टेबलस्पून कोको पाउडर है, 3/4 कप ये किसी चीनी है। कप में हम उसको नापेंगे तो ये 1/4 कप चीनी है। ये हमारी जो है किशमिश है, बादाम है, 1 टेबलस्पून ये है, 1 टीस्पून है बेकिंग पाउडर, लहसुन जाएगा, 2 अंडे लिए मैंने, और ये 3/4 कप मक्खन है। कप में नापेंगे हम इसको तो ये 1 कप होगा। तो फिर आइए शुरू करते हैं। बस मैंने इसमें बर्तन में तेल वाइट ग्रीस करके मैंने इसको मैदे से डस्ट कर लिया। लेंगे बटर डालेंगे, उसके बाद इसमें चीनी ये देखिए व्यूअर्स, ये बटर और शुगर इसमें एक जान हो गई। अब मैं इसमें एक एक करके अंडे डालूंगी। पहले हमने एक अंडा डाल दिया, अब हम इसको अंडे की मदद से अच्छा बीट हो जाएगा। जी अगर आपके पास इलेक्ट्रिक बीटर हो तो आप उससे बहुत अच्छी तरह कर सकते हैं। मैं हैंड बीटर से कर रही हूँ इसको। जितना हम अच्छी तरह हम बीट करेंगे बिल्कुल ये। अब मैं इसमें दूसरा अंडा डाल दूँ, ये देखिए व्यूअर्स, ये अच्छी तरह बीट कर लिया मैंने। अब मैं इसमें 3 टेबलस्पून कोको पाउडर डालूंगी। आपको पसंद हो ज़्यादा कोको पाउडर तो आप ज़्यादा डाल लें, 4 टेबलस्पून डाल लें, मैंने 3 टेबलस्पून लिए हैं। कोको पाउडर की बहुत अच्छी स्मेल आ रही है, इसमें खुशबू आ रही है। मैंने इसको अच्छी तरह बीट कर लिया। अब हम इसमें मैदा डालेंगे, 1 कप मैदा ये और 1 टीस्पून है बेकिंग पाउडर, बेकिंग सोडा नहीं जाएगा इसमें। हम इसको इस स्पैचुला से पहले मिक्स करेंगे अच्छी तरह। इसमें कोई लम्स नहीं रहना चाहिए, कोई गुठली वगैरह। देखिए बिल्कुल ये क्रीमी टेक्सचर में शाम वो होने लगा। 1 टीस्पून में इसमें वनीला एसेंस डालती हूँ। देखिए इसमें इतनी अच्छी खुशबू आ रही है वनीला की, कोको पाउडर की। आप
ये देखिए व्यूअर्स, आपने इसको एक ही डायरेक्शन में चलाना है, मिक्स करना है। आप मेरे तरीके से बनाएंगे तो आपका केक बहुत अच्छा बनेगा। अब मैं इसको बर्तन में करती हूँ। ये देखिए जितनी देर व्यूअर्स हमने केक का बैटर बनाया उतनी देर मैंने भगोने को प्रीहीट करने रख दिया था मीडियम फ्लेम पे। व्यूअर्स मैंने इसको टेप कर लिया। मैं इसके उसमें ऊपर से किशमिश और ये बादाम डाल रही हूँ। बहुत एहतियात से आप इस पर रखें बर्तन। अब इसको आप 5 मिनट मीडियम फ्लेम पे रखें, उसके बाद आप इसको लो फ्लेम पे 40 से 45 मिनट तक, 40 से 45 मिनट तक बेक करें। ये देखिए व्यूअर्स, केक हमारा अच्छी तरह बेक हो गया। अब हम इसको निकालेंगे। देखिए जब ये ठंडा हो जाएगा तो फिर मैं इसको डिश आउट करूँगी। बस केक ठंडा हो गया, मैं इसको बर्तन में डिश आउट करती हूँ। देखिए कितना अच्छा केक बना है हमारा। इसकी लुक देखिए आप कितनी अच्छी आएगी, और ये सॉफ्ट भी है। अब मैं इसको आपको काट के दिखाऊंगी। देखिए आप इसी तरीके से बनाइएगा, मुझे उम्मीद है ये आपको पसंद आएगा। ये देखिए व्यूअर्स कितना सॉफ्ट केक है। ये देखिए बिल्कुल नरम है केक है ये। ये देखिए मैं इसको आपको तोड़ के भी दिखाती हूँ, बहुत सॉफ्ट है ये। केक रेडी, आपको इसी तरीके से बनाना है जिस तरह मैंने बनाया है। इसकी मेजरमेंट का ख्याल रखिएगा। तो इंशाल्लाह चलती हूँ एक नई वीडियो के साथ हाजिर होंगी, जब तक के लिए अल्लाह हाफिज़। और मेरी वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब करें, दुआ में याद रखें। अल्लाह हाफिज़।